इंदौर क्राइम ब्रांच को अवैध हथियार तस्करी के मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। क्राइम ब्रांच ने 29 पिस्टल और 22 देसी कट्टे समेत कुल 51 अवैध फायर आर्म्स और 14 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। साथ ही पुलिस ने 5 हथियार तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। यह हथियार तस्कर गिरोह औरंगाबाद, बिहार, इंदौर, बड़वानी और धार समेत में सक्रिय था। इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम ने मुखबिर की सूचना पर 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 51 फायर आर्म्स जब्त किए गए हैं। इसमें 22 देसी कट्टे हैं और 29 पिस्टल्स हैं। ये सिकलीगर से संबंध रखते हैं और इसका निर्माण ये लोग करते रहे हैं और इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए विभिन्न जगह पे इनको जो विक्रय करने के हिसाब से ये लोग योजना बना रहे थे।